नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई एन अकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त सुमित। और दोस्तों, यहां पर भारत सरकार एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन लॉन्च कर चुकी है, जो कि भारत के लिए, भारत की इकोनॉमी के लिए, भारत के हेल्थ सेक्टर के लिए, एजुकेशन सेक्टर, कोई सा भी सेक्टर आप बोले, कुल मिला के अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिशन होने वाला है। और भारत सरकार ने लॉन्च किया है, यहाँ पर कैबिनेट ने दरअसल मंजूरी दी है इंडिया एआई मिशन को, यानी कि इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को सरकार ने, कैबिनेट ने यहाँ पर मंजूरी दी है। ठीक है, तो देखते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल ये जो मिशन लॉन्च किया गया है, 10,000 करोड़ का ये मिशन होने वाला है, एक बहुत एम्बिशियस मिशन होने वाला है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ है। तो भारत सरकार कहीं पर भी, और पूरा भारत एज एन इकोनॉमी, एक देश के रूप में इस सेक्टर में पीछे नहीं रहना चाहता है, क्योंकि ये एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। आने वाले समय में जिन टेक्नोलॉजी के आधार पर ये दुनिया चलने वाली है, उनमें से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, ये सारी टेक्नोलॉजी जो है, इनमें से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलती है। आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों, आपको एक ऐसा फेनोमेना देखने को मिलता है जिसमें अगर आप मशीन्स के अंदर कुछ डेटा फीड करते हैं, मशीन्स में, सॉफ्टवेयर में जब आप कुछ डेटा फीड करते हैं, तो वो इंटेलिजेंट बिहेवियर आपको शो करने लगती है। जैसे आप किसी इंसान से बात करते हैं, आप उससे बात करते हैं, बदले में आपको जवाब मिलता है, ऐसे ही मशीन्स के साथ होता है। मशीन को आप कुछ कहते हैं, उसमें कुछ लिखते हैं, वो बदले में आपको रिप्लाई देती है, रिस्पॉन्स देती है, और आपको ऐसे लगता है कि आप किसी मशीन से बात कर रहे हैं, और जैसे मशीन भी इंटेलिजेंट हो। और ऐसे में हम कहते हैं वो जो मशीन है उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ऐसा इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा, जैसे चैट जीपीटी हो गया, गूगल बार्ट हो गया, ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, ये ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसमें आप कुछ भी टाइप करेंगे, बदले में आपको ऐसे रिस्पॉन्स देगी जैसे आपसे बात कर रही हो। यह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसका एक और पहलू है इंपॉर्टेंट, वो है जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि जेनरेटिव एआई। ये क्रिएटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप कह सकते हैं इसको। जेनरेटिव एआई का मतलब है जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जैसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो वेबसाइट्स होती हैं, इनमें अगर आप कुछ भी लिखें या बोलें, उनको कहें, तो आपके रिस्पॉन्स के आधार पर वो फोटो जनरेट कर सकती है, वो वीडियोज क्रिएट कर सकती है। तो इन्हें कहते हैं जेनरेटिव एआई। और इसी सेक्टर को ध्यान में रखते हुए, अब इस सेक्टर को और बूस्ट देने के लिए, इस सेक्टर में जो कमियां थी थोड़ी बहुत, भारत जो यहां पर कहीं पर लैग कर सकता था, इसको पूरा करने के लिए मिशन लॉन्च किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो जेनरेटिव एआई सेक्टर है, उसको ध्यान में रखते हुए इस मिशन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें, कहता है, आपने कुछ दिन पहले यह भी न्यूज़ देखी होगी कि कैसे भारत सरकार ने यहां पर मंजूरी दी है कि भारत के अंदर लगभग 1,00,000 करोड़ से ज्यादा के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग चिप के जो प्लांट है वो भारत में लगेंगे, और टाटा भी उनमें से एक प्लांट एस्टैब्लिश करने जा रहा है। दो प्लांट दरअसल टाटा भी एस्टैब्लिश करेगा। और इसके अलावा ये भी एक खबर हमने इसी चैनल पर कवर की है कि इस साल के एंड तक भारत के अंदर पहली बार भारत की धरती पर बनी हुई जो चिप है, सेमीकंडक्टर चिप, वो लॉन्च आपको देखने को मिलेगी, वो लॉन्च हो जाएगी। यहाँ पर अगर बात करें तो भारत के अंदर ये जो प्लांट लगने वाले हैं, टाटा की इन्वेस्टमेंट से लगेंगे, ये बिल्कुल स्क्रैच से सेमीकंडक्टर चिप्स बनाएंगे और अगले 2-3 साल बाद यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। हालांकि इस साल के एंड तक कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी इन प्लांट्स की, लेकिन 2 साल लगेंगे कम से कम ऐसी चिप्स देखने के लिए आपको, जो कि भारत में बनी हो बिल्कुल स्क्रैच से। इसके अलावा भारत के अंदर असेंबल्ड और टेस्टेड जो चिप है, सेमीकंडक्टर चिप, वो भारत की धरती पर जो बनी है वो इस साल के एंड तक आप देख लेंगे, ऐसा अश्विनी वैष्णव जी ने कहा था। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये सारी जो चीज़ें की जा रही हैं, भारत के अंदर सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने पर फोकस किया जा रहा है। क्यों भाई? क्योंकि भारत के अंदर हम पीछे कहीं पर भी नहीं रहना चाहते हैं जहाँ तक एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर के अंदर प्रोसेसिंग जो स्पीड होती है किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रोसेसर की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो चिप्स होती हैं वो प्रोसेसर होती है, वो दिमाग होता है किसी भी कंप्यूटर का। तो ऐसे में जैसे जैसे ये सेक्टर आगे बढ़ेगा, प्रोसेसर्स की ज़रूरत और पड़ेगी, और भारत के अंदर ये प्रोसेसर हमें पैदा करने होंगे, बनाने होंगे। इसलिए एक एंड से आप ये काम देख सकते हैं। दूसरी तरफ से यहाँ पर जेनरेटिव एआई की फील्ड में भी भारत पीछे नहीं रहना चाहता है। और जेनरेटिव एआई का एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, हाल ही में, ये भी आज की ही न्यूज़ है, एक हाइपर नाम का सॉफ्टवेयर बनाया गया है, जो कि डीप माइंड, जो कि गूगल का एक स्टार्टअप है, इसके अलावा टिकटॉक, इसमें काम कर चुके जो एक्स वर्कर हैं, उनके द्वारा बनाया गया है ये हाइपर नाम का सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है कि एक ऐसी फोटो बनाइए, इमेज या फिर वीडियो बनाइए, जिसमें एक कुत्ता रेत के अंदर सर्फिंग कर रहा है डेजर्ट में, रेगिस्तान में, और साथ में वो आईफोन यूज कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा सिर्फ टेक्स्ट की कमांड के आधार पर ये वीडियो जनरेट की गई है। ये है जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि जेनरेटिव एआई। इसके अंदर आप देख सकते हैं
कि कैसे एक कुत्ते को इस तरह से बनाया गया है, ये बिल्कुल रियल और एकदम ओरिजिनल आपको देखने को लगता है, लग ही नहीं रहा जैसे किसी मशीन ने बनाया है। तो ये है जेनरेटिव एआई, ठीक है। अब अगर आगे बढ़े, यहाँ पर सरकार का इस पे क्या फोकस रहने वाला है, क्या प्लान है, क्यों यहाँ पर भारत फोकस करने वाला है इस पूरे मिशन में एआई पे, जनरेटिव एआई के क्षेत्र में, अगर बात करें यहाँ पर आखिर होना क्या है, प्लान क्या है। प्लान ये है कि सरकार यहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करेगी, प्राइवेट कंपनीज को एनकरेज करेगी कि वो भारत के अंदर डेटा सेंटर्स बनाए, ठीक है, डेटा सेंटर्स बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि यहाँ पर जो स्टार्टअप्स हैं, ऐसे स्टार्टअप्स जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप्स हैं, वो यहाँ पर अपने जनरेटिव एआई मॉडल्स को टेस्ट कर सके। अभी जो बातें मैंने बोली है ये आपको सब समझ आएंगी, वीडियो को आप पूरा यहाँ पर देखिए, ठीक है। और यहाँ पर दरअसल ये इसलिए कहा गया है क्योंकि भाई जो स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको स्टार्टअप बनाते हैं और आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक स्टार्टअप आप बनाते हैं, आपने एक जनरेटिव एआई मॉडल बनाया, आपने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो कि जनरेटिव एआई पर चलता है, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चलता है। अब आपको अपना ये जो मॉडल आपने बनाया, आपने कोडिंग कर ली, प्रोग्राम लिख लिया, अब आप अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना है तो कहाँ जाएंगे? आपको ऐसा डेटा चाहिए, भारी भरकम बहुत सारा डेटा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपको रिस्पॉन्ड करता है, जो भी आप कहते हैं वो आपको बदले में रिस्पॉन्ड क्यों करता है, क्योंकि उसके पीछे उसके बैकएंड में बहुत सारा डेटा उसके फीड किया होता है, बहुत सारा डेटा उसको दिया होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है उसके पीछे, जब आप बहुत सारा डेटा उसको फीड करेंगे तब वो आपको रिस्पॉन्स जनरेट करेगा कि भाई ऐसा पूछेंगे तो क्या देना है जवाब, हर एक चीज़ वहाँ पर उसमें डेटा फीड किया जाता है। तो यहाँ पर ज़रूरी है दो चीज़ें, एक आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल है, सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा एक डेटा भी आपके पास होना चाहिए। अब कोई स्टार्टअप है, उसने सॉफ्टवेयर बना लिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक मॉडल बना लिया, लेकिन अब अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना चाहता है, उसको बहुत सारा डेटा भी चाहिए, तो वो कहाँ जाएगा? और ऐसे डेटा सेंटर्स जो हैं, ये जो डेटा है, डेटा की गेम खतरनाक है, इसलिए कहते हैं कि डेटा इज़ द न्यू ऑयल। और आपको डेटा चाहिए अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर को ट्रेन करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए। तो ऐसे में जो जो स्टार्टअप्स हैं, छोटे स्टार्टअप्स हैं, उनको बड़ा महंगा पड़ता है डेटा कलेक्ट करना और डेटा सेंटर एस्टैब्लिश करना। तो ऐसे में सरकार कोशिश करेगी कि प्राइवेट कंपनीज कुछ ऐसी सामने आए जो कि डेटा सेंटर को एस्टैब्लिश करे, क्योंकि डेटा सेंटर एस्टैब्लिश करना बड़ा महंगा काम है। डेटा सेंटर एस्टैब्लिश आप करें और उसके बाद जिस भी स्टार्टअप को अपना एआई मॉडल, अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर टेस्ट करना होगा, वो आपके डेटा सेंटर पर आकर यहाँ पर चेक कर सकता है, टेस्ट कर सकता है और अपने इनोवेशन को और निखार सकता है। और ऐसे में देश में क्या होगा, दो तरह के सेक्टर आपको मिलेंगे, एक जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर, ऐसे स्टार्टअप्स कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं और अपने जब वो सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे तो वो ढूंढेंगे ऐसी फैसिलिटीज़ जहाँ पर डेटा बहुत सारा अवेलेबल हो, तब पिक्चर में आते हैं डेटा सेंटर। ये एक प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि डेटा प्रोवाइड कराएगा ऐसे स्टार्टअप्स को, ठीक है। तो ये पूरे इकोसिस्टम को एक तरह से कनेक्ट करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि यूएस का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधार पर बेस्ड एक स्टार्टअप है परप्लेक्सिटी। ये क्या करता है, ये डेटा सेंटर का इस्तेमाल करता है, ऐसी फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल करता है जो कि एनवीडिया नाम की कंपनी ने बनाई हुई है, ठीक है। तो एनवीडिया नाम की कंपनी ने डेटा सेंटर बनाया हुआ है, उसके डेटा सेंटर को, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करती है ये स्टार्टअप परप्लेक्सिटी नाम की, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक स्टार्टअप है। अब अगर बात करें यहाँ पर कि ये स्कीम क्यों लॉन्च की गई है, तो यहाँ पर पिक्चर में आती है कंप्यूटिंग कैपेसिटी। क्यों जो छोटे स्टार्टअप्स हैं वो डेटा सेंटर क्यों नहीं एस्टैब्लिश कर सकते, क्या समस्या है यहाँ पर कि वो मॉडल तो आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर बना ले रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सॉफ्टवेयर तो बना ले रहे हैं, लेकिन वो डेटा सेंटर एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे। दरअसल यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करती है कंप्यूटेशन पर और एल्गोरिदम में कैसे चीज़ें चल रही हैं, कंप्यूटेशन वहाँ पर हो रही है। तो ऐसे में यहाँ पर देखने को मिलता है कि डेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए। तो ऐसे में कंप्यूटेशन अगर आपको करना है, डेटा फीड करना है, मशीन को इंटेलिजेंट बनाना है, तो यहाँ पर आपको चाहिए डेटा सेंटर, बहुत सारा डेटा, स्मॉल बिजनेस वो अफोर्ड नहीं कर पाते। जैसे फॉर एग्जांपल डेटा के लिए क्या चाहिए, प्रोसेसिंग पावर चाहिए, कंप्यूटेशन स्पीड चाहिए। जब आप इतना सारा डेटा किसी मशीन को देंगे तो उस मशीन के पास उस डेटा को प्रोसेस करने की, लॉजिकली प्रोसेस करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए, और उसके लिए फिर काम में आते हैं बड़े बहुत सारे प्रोसेसर्स। और अगर बात करें जनरेटिव एआई की, तो वहां पर तो आपको पिक्चर्स और वीडियोस भी डेवलप करनी है,
एक हो गया जैसे चैट जीपीटी टाइप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपने कुछ लिखा, बदले में उसने भी कुछ लिखकर जवाब दे दिया, बात खत्म। यहां पर भी वो आपके डेटा को प्रोसेस करेगा फिर रिस्पॉन्स देगा, तो वहां पर भी कंप्यूटेशन और प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर सोचिए आपके शब्दों के आधार पर अगर कंप्यूटर पिक्चर बना रहा है, वीडियोस बना रहा है, तो सोचिए कितना सारा वहां पर प्रोसेसिंग पावर लगेगी, कितनी कंप्यूटेशन लगेगी। वो आपके शब्दों को समझकर फिर पिक्चर बनाएगा, वीडियोस बनाएगा, ऐसा डेटा उसको फीड करना होगा, तो प्रोसेसिंग पावर बढ़ जाती है जब जनरेटिव एआई की बात करते हैं। कंप्यूटेशन पावर जो है आपको ज्यादा चाहिए जब आप जनरेटिव एआई की बात करते हैं। सिंपल एआई में थोड़ी हल्की प्रोसेसिंग पावर भी चल जाएगी, लेकिन जनरेटिव एआई में ज्यादा प्रोसेसिंग पावर आपको चाहिए होती है। तो अगर बात करें यहां पर कहता है एनवीडिया का, एनवीडिया की एक चिप आती है, यानी कि प्रोसेसर आता है A100 चिप, ठीक है, A100 चिप, ठीक है। ये क्या करती है, ये एक एडवांस चिप है जो कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ये एक तरह का जीपीयू है। जीपीयू क्या होता है, ये भी एक तरह का प्रोसेसर है, ये भी सेमीकंडक्टर चिप ही है, ये सीपीयू से एडवांस है। सीपीयू क्या होती है, ये भी सेमीकंडक्टर चिप है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब है जो कि आपके सिग्नल्स को ग्राफिक्स के अंदर इस्तेमाल करेगी, जो आपने कमांड दी है उसको ग्राफिक्स में कन्वर्ट करेगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि जब आपको वीडियो और पिक्चर्स पर काम करना होता है, ग्राफिक्स पर काम करना होता है, तो आपको हाई एंड क्वालिटी के लिए ऐसे प्रोसेसर चाहिए होते हैं जिनको हम कहते हैं ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट। तो जैसे सीपीयू होते हैं ऐसे ही जीपीयू होते हैं, जीपीयू ज्यादा पावरफुल होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये है जीपीयू और ये है सीपीयू, ठीक है। जैसे हमारे कंप्यूटर में चिप होती है, ये है सीपीयू। जीपीयू का मतलब है जब आपका काम ग्राफिक्स पर ज्यादा होता है तब आपको जीपीयू चाहिए होता है, और ये पैरेलल प्रोसेसिंग करता है और ये लीनियर प्रोसेसिंग करता है। ये पैरेलल फंक्शंस को, कई सारे फंक्शंस को एक साथ प्रोसेस कर सकता है, ऐसा प्रोसेसर है। तो ऐसे में कहता है जब आपको जनरेटिव एआई पे काम करना होगा तो आपको डेटा जो डालना होगा वो जीपीयूज के थ्रू जाएगा, और एक छोटा स्टार्टअप ऐसे जीपीयूज लगाकर डेटा सेंटर बनाए ऐसी उम्मीद आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर एनवीडिया की इसकी बात करें डेटा सेंटर की, तो यहां पर जो 800 चिप आती है ये लगभग $10,000 की आती है, और कहता है एक डेटा सेंटर में ऐसी 10,000 चिप लगती है। इसका मतलब यहां पर $100 मिलियन का डेटा सेंटर बनेगा, एक छोटा नॉर्मल स्टार्टअप इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। लगभग 8,000 करोड़ का ये सेटअप बनेगा। तो यहां पर आप ये अज्यूम नहीं कर सकते कि कोई स्टार्टअप है वो ऐसा डेटा सेंटर बनाए और सॉफ्टवेयर भी बनाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो ऐसे में सरकार क्या करना चाहती है, प्राइवेट सेक्टर को बुलाना चाहती है इन्वेस्टमेंट के लिए, ताकि यहां पर ऐसे डेटा सेंटर बनाए जाए जहां पर ऐसे हाई एंड प्रोसेसर डेटा को फीड करें मशीन सॉफ्टवेयर के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर के अंदर। तो यहां पर आपने जीपीयू और सीपीयू में भी फर्क समझ लिया। तो जीपीयू आपको चाहिए होगा जनरेटिव एआई के लिए, ठीक है, जब आप टेक्स्ट से इमेज और वीडियोस बनाना चाहते हैं तो फिर यहां पर जीपीयू यूज होगा। और अगर आप इंटेलिजेंस के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सॉफ्टवेयर क्रिएट करना चाहते हैं तो बहुत सारा डेटा फीड करना पड़ेगा, और बहुत सारे डेटा के लिए बहुत सारा जीपीयू आपको लगेगा और बहुत सारी प्रोसेसिंग पावर चाहिए। अब यहां पर गवर्नमेंट का प्लान क्या है, गवर्नमेंट का प्लान यह है कि कंप्यूटिंग कैपेसिटी बढ़ानी है। कंप्यूटिंग कैपेसिटी का मतलब यही है कि लार्ज स्केल पर आपको डेटा प्रोसेस करवाना है, और ऐसे में सरकार चाहती है कि 10,000 जीपीयू तक के यहां पर डेटा सेंटर डेवलप किए जाएं, 10,000 जीपीयू तक के। तो कंप्यूटिंग कैपेसिटी कितनी, यहां पर मोर देन, ठीक है, गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करना चाहती है मोर देन 10,000 जीपीयू से ज्यादा की यहां पर कंप्यूटिंग कैपेसिटी, ठीक है। और अगर यहां पर बात करें, कहता है कि यहां पर फाउंडेशनल मॉडल जो है डिवेलप किए जाएंगे जिसके अंदर 100 बिलियन पैरामीटर्स होंगे, ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल डिवेलप किए जाएंगे जिसके अंदर 100 बिलियन से ज्यादा पैरामीटर होंगे। मतलब पैरामीटर क्या होते हैं, किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं वो होते हैं पैरामीटर्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो बिहेवियर जब डिजाइन होते हैं तो पैरामीटर्स के थ्रू डिजाइन होते हैं, ये इस तरह के कोड आप कह सकते हैं, कोडिंग होती है इस तरह की कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बिहेवियर डिसाइड करती है, तो पैरामीटर्स, ठीक है। इसके अलावा पैरामीटर्स जो है बिहेवियर डिसाइड करते हैं, इसके अलावा आपको डेटा सेट भी मशीन के अंदर फीड करने होंगे। डेटा सेट मतलब जो मशीन को डेटा देते हैं, ठीक है, तो मशीन का बिहेवियर यहां से डिसाइड होता है और डेटा सेट से मशीन को डेटा मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है। तो यहां पर आपको, भारत सरकार चाहती है कि 10,000 जीपीयू तक का यहां पर कंप्यूटिंग कैपेसिटी बने और इतने पैरामीटर्स और डेटा सेट का यहां पर ऐसी फैसिलिटीज बने जो कि क्या करे, भारत के अंदर जो प्रायोरिटी सेक्टर है जैसे हेल्थ एजुकेशन और बाकी ये जो सेक्टर्स हैं, इसके लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर बनाए जाएंगे इनको ट्रेन करें, इन मॉडल्स को तैयार करें, ठीक है। तो आप समझ गए, यहाँ पर सरकार एक फैसिलिटी बनानी चाहती है जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है,
और इसमें इतना डेटा प्रोसेस होगा कि इसके थ्रू चाहती है सरकार अलग अलग सेक्टर के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर है उसको ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाए। मेरे ख्याल से आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। और इसमें सरकार चाहती है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत यानी कि प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके गवर्नमेंट के साथ यहाँ पर इस पर काम किया जाए और डेटा सेंटर एस्टैब्लिश की जाए। और ऐसे में सरकार चाहती है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए, और अगर यहाँ पर कोई समस्या होती है तो सरकार 50% वायबिलिटी गैप फंडिंग देगी, यानी कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिकली डिजायरेबल होते हैं लेकिन फाइनेंशियली वायबल नहीं होते हैं, ऐसे मामलों में सरकार क्या करती है, उनको फाइनेंशियली वायबल बनाने के लिए सरकार अपनी तरफ से पैसा देती है जो कमी पड़ती है। तो यहाँ पर अप टू 50% सरकार वायबिलिटी गैप फंडिंग देने के लिए तैयार है, यानी कि 10,000 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट है तो 5,000 करोड़ उसमें सरकार देने के लिए तैयार है। ठीक है, तो अगर देश के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेवोल्यूशन लाना है तो ऐसे ही ये जो गैप है इसको फिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप फॉरेन कंपनियों पर ही डिपेंडेंट रहेंगे और फिर क्या होगा, भारत के लोग अपना सॉफ्टवेयर तो डेवलप कर लेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, लेकिन हमेशा विदेशी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर डिपेंडेंट रहेंगे और फिर भारत की स्टार्टअप जो है विदेशों में शिफ्ट करेंगे और वहां पर जाकर अपने आप को एस्टैब्लिश करेंगे, फिर यही होगा। ठीक है, इसके अलावा इस पूरे मिशन के अंदर सरकार डीप टेक जो स्टार्टअप्स हैं उन पर भी फोकस कर रही है। डीप टेक स्टार्टअप क्या होते हैं, यानी कि ये भी वही स्टार्टअप्स हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा माइनिंग और बड़े बड़े डेटा के आधार पर चलती है अलग अलग सेक्टर में, जैसे कि एडवांस मटेरियल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको मिल गया, बायोटेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन पर, रोबोटिक्स, ठीक है, फोटोनिक्स, इसके अलावा क्वांटम कंप्यूटिंग, ये जो सेक्टर हैं इनके ऊपर भी सरकार यहाँ पर 2,000 करोड़ रुपए सरकार ने यहाँ पर पास किए हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा कहता है यहाँ पर ओवरऑल एक इंडिया AI डेटा सेट प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। डेटा सेट प्लेटफॉर्म यानी कि सरकार अपनी तरफ से भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएगी जिसके अंदर बहुत सारा डेटा ऑलरेडी अवेलेबल होगा। ठीक है, और ये डेटा जो होगा ये नॉन पर्सनल डेटा होगा, यानी कि आप खुद सोचिए अगर आप कल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर एक मॉडल बनाते हैं, एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो उसमें आप डेटा यहां से भी फीड कर सकते हैं। ठीक है, सरकार ये जो प्लेटफॉर्म बनाएगी यहां से डेटा आप फीड कर सकते हैं, ये एक तरह की लाइब्रेरी है उन लोगों के लिए, उन स्टार्टअप्स के लिए जिनको डेटा की जरूरत है अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल के लिए, ताकि क्वालिटी एक्सेस उनको डेटा यहां पर, क्वालिटी डेटा का एक्सेस उनको यहां पर मिल सके। ठीक है, और ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स होंगे ये और किस काम आएंगे, ऐसे प्लेटफॉर्म काम आएंगे, आपने हाल ही में देखा होगा कि भारत जीपीटी नाम के एक फोरम ने अपना यहाँ पर भारत का, जैसे ChatGPT है ऐसे भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर ऐसा ही एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसका नाम है हनुमान। ठीक है, तो भारत GPT ग्रुप ने हनुमान बनाया था। अब हनुमान को अगर आपको ऑपरेट करना है भारत की कई भाषाओं के अंदर, जिसे बताया जा रहा है कि 17 लैंग्वेज में अवेलेबल था और अब भारत की 22 लैंग्वेज में इसको लॉन्च करने की कोशिश की जाएगी, तो अगर आपको इतनी सारी भाषाओं में इसको ट्रेन करना है किसी सॉफ्टवेयर को भारत की, तो आपको उनको उन भाषाओं में डेटा भी देना होगा, इतना सारा डेटा देना होगा, तो ऐसे में ये डेटा आप यहाँ से प्रोवाइड करा सकते हैं, हाई क्वालिटी डेटा आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो सरकार सॉफ्टवेयर की नज़र से डेटा का जो एक्सेस है वो भी देगी, दूसरी तरफ से सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाने की भी कोशिश कर रही है ताकि जो गैप है जनरेटिव AI का ये यहाँ पर फिल हो सके। ठीक है, क्योंकि जो GPUs हैं वो बहुत सारे यूज़ होते हैं और उसका इस्तेमाल यहाँ पर डेटा सेंटर में हो और वो प्राइवेट सेक्टर की फंडिंग से और सरकार की मदद से एस्टैब्लिश हो। इसके अलावा सेम आपको स्टेप्स देखने को मिलेंगे यूरोपियन यूनियन के द्वारा भी लिए गए हैं। ठीक है, यूरोपियन यूनियन ने भी ऐसे रूल यहाँ पर लिए हैं जिससे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जनरेटिव AI की फील्ड है इसके अंदर चीज़ें थोड़ी लिबरलाइज होती हैं, यहाँ पर स्टार्टअप जो फ्लरिश करें ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सुपर कंप्यूटर्स और कंप्यूटिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए स्टेप लिए गए हैं और लार्ज स्केल AI मॉडल बने ऐसे यहाँ पर स्टेप लिए गए हैं कि वहाँ पर भी जो स्टार्टअप्स हैं अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर पाएं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज़, मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। इसके अलावा आप में से कोई भी दोस्त या आपकी जानकारी में कोई भी दोस्त चाहता है कि भाई UPSC की तैयारी शुरू करें, और अगर सोच रहा है कैसे शुरू करनी है, क्या शुरू करना है, तो यहाँ पर सबसे अच्छा एक तरीका यहाँ पर लाया गया है कि आप अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करके तैयारी शुरू कर सकते हैं, और ये एक अफोर्डेबल कोर्स यहाँ पर लॉन्च किया गया है ताकि आप ज़्यादा ना सोचें और यहाँ पर पहला कदम अपना बढ़ा लें और तैयारी शुरुआत एटलीस्ट कर सकें। और सबसे अच्छा कदम इसलिए है क्योंकि NCERT बैच यहाँ पर लॉन्च किया गया है। दोस्तों NCERT जो है वो UPSC की प्रिपरेशन के अंदर कोर सब्जेक्ट्स आपके तैयार करती है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये सब कोर सब्जेक्ट्स हैं और NCERT इन्हीं पर लिखी गई है, और जब इनको हम पढ़ते हैं हमारी फाउंडेशन बनती है। तो पहली बात, ये अफोर्डेबल कोर्स है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा,
अर्ली स्टार्ट करने के लिए एनसीईआरटी से अगर कोर सब्जेक्ट अपने आप स्ट्रॉन्ग करते हैं तो एक बहुत अच्छा स्टार्ट आपको मिलता है, और आपकी प्रिपरेशन के शुरुआत के 8 से 9 महीने बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। कोर सब्जेक्ट पे काम करना प्लस प्रॉपर गाइडेंस के साथ काम करने से आपके कई अटेम्प्ट्स बच जाते हैं, वरना कई सारे अटेम्प्ट्स एक्स्ट्रा लगते हैं। तो यहाँ पर हम आपको सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है, आपको यहाँ पर चीज़ें सिर्फ सब्जेक्ट की जानकारी नहीं मिलती है, बल्कि साथ में यहाँ पर आप स्ट्रेटेजी गाइडेंस हर चीज़ डिस्कस कर सकते हैं A to Z बिना किसी शर्म के, बिना किसी चीज़ के। लाइव क्लास होती है, डाउट पूछ सकते हैं। एनसीईआरटी यहाँ पर कवर करेंगे 6 से 12 तक की। मेरे साथ आप यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ते हैं और प्रीलिम्स और मेंस दोनों की पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पर हिस्ट्री को पढ़ते हैं। साथ में एसे और एथिक्स के लिए भी एग्जाम्पल्स हम निकालते रहते हैं ताकि आपकी होलिस्टिक तैयारी हो। उसके अलावा बाकी टॉप एजुकेटर्स भी आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ाते हैं इस कोर्स के अंदर। अगर इस कोर्स के अंदर आपको एनरोल करना है, अपनी प्रिपरेशन को शुरू करना है स्ट्रक्चरली, तो यहाँ पर कोड लगाएंगे SMK Live। SMK Live कोड लगाते ही आप अपनी प्रिपरेशन शुरुआत कर पाएंगे और इसमें आप अपने आप को और बाकी लोगों को भी सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 6 महीने का एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है। जो भी कोर्स आपको देखने को मिलेंगे 2025 के कॉम्प्रिहेंसिव बैच के, कोड लगाना होगा SMK Live। जैसे कि 2025 का बैच है, सभी टॉप एजुकेटर आपको अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़ाते हैं। साथ में आपको 1-on-1 मेंटोरशिप मिलती है, टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलता है प्रीलिम्स और मेंस की। कोड लगाना होगा SMK Live। उसके अलावा यहाँ पर करंट अफेयर की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी करंट अफेयर नेविगेटर प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर आपको स्टैटिक और करंट में लिंक प्रोवाइड कराया जाता है। सभी कॉम्प्रिहेंसिव सोर्सेज को कवर किए जाते हैं, सभी टॉप एजुकेटर्स सभी सब्जेक्ट्स के करंट अफेयर्स में आपकी लिंक क्रिएट करते हैं। साथ में कोड लगाना होगा SMK Live अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट टेस्ट होने वाला है संडे को सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे, अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट, जिसके अंदर आप इस चैंपियनशिप में अपने आप को टेस्ट तो कर सकते हैं, साथ में रिवॉर्ड भी जीत सकते हैं। कई सारे प्राइज आप जीत सकते हैं, जैसे लैपटॉप वगैरह के साथ 90% स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। साथ में अपने टॉप एजुकेटर से फेलिसिटेट होने का भी मौका आप पा सकते हैं। कोड बस आपको लगाना होगा SMK Live। ठीक है, तो दोस्तों ये था पूरा मामला जिसमें पूरी स्कीम को समझा, और सिर्फ हमने इस मिशन को ही नहीं समझा, सरकार क्या करेगी वो तो समझना था, लेकिन हमने कई सारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ली कि जेनरेटिव AI क्या है, कैसे काम करता है, कंप्यूटेशनल कैपेसिटी का मतलब क्या है, क्यों इसमें ज़्यादा पड़ती है। ये सारी चीज़ें दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से, फील्ड से जब प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है तो वो 1-2 लाइन का नहीं आता है। कई बार आपने देखा होगा उसमें बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ होते हैं, तो एग्जामिनर को आप ये मत सोचिए कि उसके पास लिमिटेशन है 2-4 शब्द में क्वेश्चन पूछेगा, वो जितना मर्जी घुमा के आपसे पूछना चाहे पूछ सकता है। ठीक है, तो इसलिए इन चीज़ों को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की चीज़ों में विदाउट क्लैरिटी कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, इसलिए इन चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने इस न्यूज़ को कवर किया। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।